खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर पंचगोर से हमारे किदरोशिया पॉइंट के नुमाइंदा फरीद उमर से। बीएनपी मेंगल पंचगोर के साबिक जिले सदर किफायतुल्ला बलोच ने अपनी रिहाइश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक जिले सदर अली अहमद, साबिक जिले जनरल सेक्रेटरी राशिद लतीफ बलोच, साबिक तहसील सदर मोहम्मद जान बलोच, साबिक जिले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जुबैर अयूब बलोच, याकूब राही, अताउल्ला बलोच, उस्ताद रजा बलोच, मुख्तार शम्बेजई और जिले भर से बीएनपी के कुल 41 यूनिट्स के अहदेदारान और कारकुनान के हमरा बीएनपी मेंगल से मुस्ताफी होने का ऐलान किया। इस मौके पर जिले भर से बीएनपी के साबिक जिले और तहसील अहदेदारान और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। किफायतुल्ला बलोच ने कहा कि हम गुज़श्ता 3 दुहाइयों से बीएनपी की प्लेटफॉर्म से वाबस्ता थे और पार्टी की तरक्की के लिए दिन रात कुर्बानियाँ दें, बिलखसूस पंचगोर में पार्टी को फाल बनाने के लिए अपने खून पसीने से इस दरख्त की आबियारी की। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में हमने फैसला किया है कि हम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ मजीद सियासी सफर को जारी नहीं रख सकते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसुत से बीएनपी की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी होने का बाज़ाबिता ऐलान करते हैं। आज के बाद हमारा बीएनपी मेंगल से कोई ताल्लुक नहीं और अपने तमाम साथियों, वर्कर्स और पार्टी के बुजुर्ग रहनुमाओं से मुशावरत के बाद आइंदा के लाहे अमल का जल्द ऐलान करेंगे। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और ख़बरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि मकरान समेत बलूचिस्तान की खबरों से जुड़े रहें।